बोल बोल वॉलीबॉल छह का खेल के स्लोगन के बैनर तले पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन की जानिब से 52वीं इंडोर नेशनल मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब 15 अप्रैल 2019 को लाहौर के नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान के इलाकाई धुनों पर फनकारों ने लोक रक्स पेश किए। चैंपियनशिप में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान वाडा समेत पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स, एचईसी, पीओएफ, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद और गिलगित बल्चिस्तान की वॉलीबॉल टीमों समेत 16 वॉलीबॉल टीमें शरीक हैं। चैंपियनशिप के पहले लोज गिलगित बल्चिस्तान और केपीके ने फतेह के झंडे गाड़े, जबकि दूसरे दिन के मैचेस में पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान पुलिस, पीओएफ, पाकिस्तान वाडा, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी की टीमों ने कामयाबियां समेटी, जबकि तीसरे रोज नेवी, एयरफोर्स, एचईसी, पंजाब और आर्मी की टीमों ने अपने अपने मैचेस में कामयाबी हासिल की, जबकि तीसरे दिन पंजाब और सिंध की टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ और पंजाब को जीत के लिए सिंध की टीम की जानिब से सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा। स्कोर 19-25, 28-30 और 25-20 रहा। कबले अजी पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद याकूब ने इफ्तिताही तकरीब से कबल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि जनरल सेक्रेटरी शानेम जफर, शाहिद मसूद और दीगर उनके हमरा थे। खादिम बटर, हैदराबाद स्पोर्ट्स न्यूज, नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाहौर।